सो गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम एक कलर पेंसिल ट्यूटोरियल के बारे में बात करेंगे। एंड इसके पहले भी मैंने इसका आउटलाइन ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, सो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो, वो वीडियो ये है, ठीक है। एंड इसी के साथ हम यहाँ पे शेड करने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में आईज, नोज, चीक्स एंड फोरहेड को। एंड मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ डॉम्स के 24 शेड कलर पेंसिल का। इसमें आप नया वाला पैक और पुराना वाला पैक कोई भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दोनों भी सेम है, जो आपके पास है वो आप यूज़ कर सकते हो। एंड दोनों का अगर आपको रिव्यू देखना है तो वो वीडियो के लिंक्स या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे या तो आप चैनल पर भी जाके देख सकते हो, वो दोनों वीडियो ये है, ठीक है। तो बस यही है कुछ इंट्रो में, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सो गाइस, सो सबसे पहले जो हम बनाने वाले हैं वो है आईज। एंड आईज में मैं यूज़ कर रहा हूँ कुछ चुनिंदा कलर्स, जैसे कि ग्रे, ब्लैक, ब्राउन। आप अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग कुछ भी कलर यूज़ कर सकते हो। एंड यस, मैं यहाँ पे रफ़ पेपर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत टेक्सचर तो मिलेगा ही, क्योंकि ये डोम्स की कलर पेंसिल है, ठीक है, प्रिज्मा कलर नहीं है, ठीक है। फिर भी अच्छा है, टेक्सचर पसंद है यार मुझे, वैसे भी ज़्यादा भी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं लगती, स्किन टेक्सचर नहीं आता है। फिर अब देखो, मैं स्किन टोन पे भी ब्राउन और ग्रे का थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि चाय पे डाक है वहाँ पे ब्राउन और ग्रे एंड स्किन कलर, जो पीच कलर भी बोलते हैं जिसको, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है स्किन टोन बनाने में। एंड जो मैं फ़ोटोग्राफ यूज़ कर रहा हूँ उसमें तो स्किन था भी, तो काफ़ी हेल्प हो गई मेरी एंड काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो रहा था। एंड ये सब नोक थोड़ की स्किन कलर की होता है ऐसा। एंड पिंक भी यूज़ करूँगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पिंकिश पिंकिश सी स्किन है, ऑरेंजिश नहीं है, ठीक है। मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया था जिसमें पूरी ऑरेंजिश स्किन थी, ठीक है, वो नहीं है ये। एंड डार्क जगह जो है उसको आइडेंटिफाई करो, देन फिर नॉर्मली आप शेड कर सकते हो, काफ़ी ईजी है, ठीक है। आपको बस रेफरेंस फ़ोटो को थोड़ा सा जूम करना है एंड आइडेंटिफाई करना है कौन सा कलर किस में किस तरीके से घुला हुआ है, ठीक है। देखते देखते ही समझ में आएगा एंड आप देखोगे कि आपसे वो जो आप जो अचीव करना चाहते थे वो आपसे बन गया, ठीक है। यस, आप भी देख सकते हो धीरे 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 मैं शेड कर रहा हूँ। काफ़ी पेशेंस के साथ करना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ करो तो पेशेंस के साथ करो, वरना ना करो, ठीक है। एंड थोड़ा पिंक एंड देन पीच, ठीक है, मैं यही यूज़ कर रहा हूँ मिक्सचर, ठीक है। एंड यस, आप भी रेफरेंस फ़ोटो को ऑब्जर्व करो एंड ड्रॉ करो, ठीक है। अब देखो, एक चीक हो गया एंड देन अभी मैं नोज़ पे शेड कर रहा हूँ एंड इस पर काफ़ी ज़्यादा शेड्स है। इसमें ऑरेंज भी है कई कई जगह पे, ऑरेंज है, लाइट ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, ठीक है, एंड पीच है, पिंक है, एंड काफ़ी ज़्यादा जगह पे, एकदम ऐसे छोटी छोटी जगह पे शेड है, डार्क एकदम डार्क शेडो है एंड कई कई पे एकदम से हाईलाइट है, ठीक है। वो ड्रॉ करना काफ़ी टफ होता है यार, बट फिर भी काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड यस, यहाँ पे ब्लेंडिंग के लिए मैं वाइट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी स्मूद है नोज। एंड यस, वाइट से काफ़ी लोग बोलते हैं कि फीका पड़ जाता है, बट यस, वाइट से ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है तब जब आपके पास कोई ब्लेंडर ना हो, ठीक है, इसलिए। एंड यस, मैं डार्क जगह के लिए ब्राउन यूज़ कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो, एंड पिंक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, स्मूथ करने के लिए, ठीक है। मैं पीच किया, देन अब मैं और डार्क कर रहा हूँ, देन वाइट से ब्लेंड कर दिया, ठीक है। पूरा प्रोसेस यही है, ठीक है। एंड अब देखो, अब मैं आईब्रोज को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ग्रे और ब्लैक का यूज़ करके, एंड कहीं कहीं पे ब्राउन भी है, ठीक है, ग्रे और ब्लैक का यूज़ कर रहा हूँ। एंड जहाँ जहाँ पे डायरेक्शन जा रहा है मैं रेफरेंस फोटो से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एंड जहाँ जहाँ पे डायरेक्शन जा रहा है वहाँ वहाँ पे कर रहा हूँ। एंड वाइट जेल पेंसिल में कई कई पे हाईलाइट दे रहा हूँ, एकदम छोटी छोटी जगह पे, ठीक है, जहाँ पे मैं छोड़ नहीं पाया था। एंड यस, ग्रे, देन अभी पिंक, देन पीच, कुछ ऐसे ही यूज़ कर करके मैं इस ड्राॅइंग को कम्प्लीट कर रहा हूँ। सो ऐसे अब मैं वाइट से ब्लेंडिंग भी कर रहा हूँ, एंड जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं करेक्शन कर सकता हूँ, वाइट एंड डार्क कर सकता हूँ, जहाँ जहाँ पे मैं वहाँ पे करेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। एंड ये सब मैं वो जो लिप्स के ऊपर में होता है ना,
जहाँ पे मुझसे जाती है वहाँ पे मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है, इन हल्के हल्के मिस्टेज है तो वो भी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। हमेशा ऑब्जर्व करो, ठीक है, उससे हमारा जो प्रपोर्शन है वो भी अच्छा होता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।